देखिए जो होना था वो हो चुका है। पाकिस्तान इंग्लैंड से अपने घर के अंदर हार चुका हुआ है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ये सीरीज हारा अपने घर के अंदर, जो कि शॉकिंग है, लेकिन अब हार चुका हुआ है। लेकिन अब इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, इसको डिस्कस करते हैं सीरीज रिपोर्ट के साथ। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ डाटा निकाला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बात करें सबसे ज्यादा जिसमें कह सकते हैं रन्स की, किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन्स स्कोर किए सीरीज के अंदर, तो भाई पहले पांच बल्लेबाजों के अंदर आपको दो कॉमन नाम मिलेंगे, वो हैं बाबर आजम और जैसे कह सकते हैं मोहम्मद रिजवान के लीड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें तो कोई पाकिस्तानी आपको नजर नहीं आएगा। नंबर तीन पे हैरी ब्रोक होंगे, नंबर चार पे डकी होंगे और नंबर पांच पे डेविड मिलान। मतलब कि जो पाकिस्तान के दो बल्लेबाज हैं वही हमें नजर आ रहे हैं पिछले डेढ़ साल से, और कोई बल्लेबाज हमें नजर नहीं आ रहा। अगर बात करें स्ट्राइक रेट की तो भाई रिजवान ने 6 इनिंग्स में 316 रन्स बनाए, 138 का स्ट्राइक रेट था। बाबर आजम ने 7 इनिंग्स में 285 रन्स बनाए, 143 का स्ट्राइक रेट था, जो कि एक अच्छा स्ट्राइक रेट है इस सीरीज के अंदर बाबर का। हैरी ब्रोक की बात करें 6 इनिंग्स में 238 रन्स, 163 का स्ट्राइक रेट, ये होता है स्ट्राइक रेट। मतलब कि जो नीचे से आके वो तेज खेलता होता है, अगर अर्ली विकेट भी गिर जाए तो बेन डकिट और हैरी ब्रोक, ये अपन का आप स्ट्राइक रेट देखिए, एक का 159 है, एक का 163 है। ये था चेंजिंग पॉइंट सीरीज के अंदर बैटिंग के अंदर, कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की अगर ओपनर जल्दी आउट भी हो जाए तो उनके जो दो बल्लेबाज है ना बेन डकिट और हैरी ब्रोक, ये 163 और 159 के स्ट्राइक रेट से सीरीज में खेले हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने प्रेशर नहीं लिया, रन चेस करते गए या रन स्कोर करते गए। इसी के साथ साथ अगर बॉलिंग की बात करें मोस्ट विकेट की, तो भाई हारिस रऊफ के अलावा कोई पाकिस्तानी आपको टॉप फाइव में नजर नहीं आएगा। हारिस रऊफ ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की, 8 विकेटों के साथ लीड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम जो कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ है हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग, कहाँ है बाकी बॉलर, किसी का नाम आपको नजर नहीं आएगा। सैम करन दूसरे नंबर पे है, डेविड विले तीसरे पे, मार्क वुड जिसने सिर्फ 2 मैचेस खेले, दोनों इंग्लैंड जीता, उसने 6 विकेट्स लिए। तो ये आप देखें, ये पाकिस्तान ने यहाँ पे कमी महसूस की है कि विकेटें नहीं निकाली पाकिस्तानी बॉलर से सिवाय हारिस रऊफ के। तो ये हो गया ना ओवरऑल कंपैरिजन, हमने कर लिया ये वाला ओवरऑल कंपैरिजन दोनों टीमों का जिसने ज्यादा लीड किया है। अब बात कर लेते हैं जरा इंडिविजुअल प्लेयर्स की, क्या वजह थी जो पाकिस्तान ये सीरीज आया। मैं कुछ चंद प्लेयर्स के आपके साथ डाटा शेयर करने लगा हूं, इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ये वाली सीरीज हारा है। जहां एक तरफ जब इंग्लैंड के ओपनर आउट हो रहे थे तो उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आके 163-159 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और रन्स बना रहे थे, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाज ऐसे थे जिनमें इफ्तिकार अहमद 7 मैचेस 5 इनिंग्स के अंदर इन्होंने स्कोर किए 99 रन्स, मतलब के 100 रन भी स्कोर नहीं कर पाए ये लोग, 100 रन भी इफ्तिकार अहमद स्कोर नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ अगर बात करें इनके स्ट्राइक रेट की, तो इनका स् ट्राइक रेट था 132 का स्ट्राइक रेट, जी 132 के स्ट्राइक रेट से ये खेल रहे थे। इसी के साथ साथ खुशदिल शाह की अगर बात करें, 5 मैचेस 4 इनिंग्स के अंदर इन्होंने स्कोर किए सिर्फ और सिर्फ 63 रन इन्होंने स्कोर किए हैं 112 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये बंदा नंबर 5 पे आ रहा है और 112 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, किस बेस पे 112 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है मुझे ये बता दो। मतलब कि इतने अहम पोजीशन के आप बल्लेबाजी करने आ रहे हो और आपका स्ट्राइक रेट 112 का है, ये वजह थी कि पाकिस्तान ये वाली सीरीज हारा। अब बात करते हैं मोहम्मद नवाज की, मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस में जिसको कह सकते हैं 6 में बल्लेबाजी की है, 6 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बल्लेबाजी की है और सिर्फ 45 रन स्कोर किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 45 रन स्कोर किए मोहम्मद नवाज ने। उनका स्ट्राइक रेट भी 97 का था। मोहम्मद नवाज की अगर बात करें तो ये वो प्लेयर जिन्होंने इंडिया के खिलाफ नंबर 4 पे आके एक अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन इनसे हम ज्यादा उम्मीदें लगा रहे थे। तो ये वजह पाकिस्तान के सीरीज हारने की, ये जो 3 प्लेयर है पाकिस्तान के, इनको जो चलना चाहिए चल नहीं पा रहे। अगर हम दी ग्रेट जिसको कह सकते हैं आसिफ अली की बात करें, जिन्होंने 4 मैचेस में 4 इनिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 34 रन स्कोर किए हैं, और अगर इनके स्ट्राइक रेट के ऊपर जाएं तो 136 का स्ट्राइक रेट है। आसिफ अली कहने को तो हर रोज 100 या 150 छक्का मारता होता है नेट के अंदर, लेकिन भाई यहाँ पे आप किधर है छक्के। तो ये मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर किए। शान मसूद की अगर बात करें तो शान मसूद के 150 रन हैं और शान मसूद ने सिर्फ 250 मारे और उन मैचों में उन्होंने 50 रन स्कोर किए हैं जिन मैचेस में पाकिस्तान हारा है। तो मतलब कि उनकी इनिंग्स का कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को, उनको ने अपने लिए ही खेला है। तो ये कंपैरिजन करने का मकसद ये था, शो करने का मकसद ये था कि ये कुछ 4-5 प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे
ओपनर्स हमारे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ बॉलर्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ बल्लेबाज, 4 से 5 बल्लेबाज कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिनको देना जरूरी है सीरीज के अंदर। ये वजह बनी पाकिस्तान के सीरीज हारने की। अब बात करें जिसको कह सकते हैं फ्यूचर प्लान्स की, कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां नजर आ रही है। सीरीज तो हम हार गए, बड़ा अफसोस का सीरीज हार गए। रमीज राजा ने एक वीडियो शेयर किया पाकिस्तान क्रिकेट के पेज के ऊपर, वहां पे उन्होंने वीडियो के अंदर बताया कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट से कह सकते 80% इसी टैक्टिक से साथ मैचेस जीती है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अप्रोच सही है, 80% मैचेस जीते। लेकिन मैं रमीज राजा को करेक्ट करना चाहूंगा, 80% तो पाकिस्तान मैचेस जीती है, 20% पाकिस्तान वो मैचेस हारे जो कि क्रूशियल मैचेस थे, जैसे कि सेमीफाइनल हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे कि एशिया कप का फाइनल हो गया, जैसे कि इस सीरीज का फाइनल हो गया। मतलब कि अहम मैचेस पाकिस्तान हारी है, तो भाई फायदा 80% जीतने का, जब आप क्रूशियल मैचेस आप आके आज आके हार जो। उसके बाद रमीज राजा ये भी कहते हैं कि भाई मैं जानता हूं कि पूरे फैंस चाहते, फैन डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि लोग जिसको कहते हैं ना मॉडर्न क्रिकेट देखना चाह रहे हैं लेकिन हमारे प्लेयर्स वो खेल नहीं पा रहे। तो उन्होंने आगे से कहा कि 3 से 4 साल के अंदर हमारे प्लेयर्स मॉडर्न क्रिकेट में, आपको यकीन कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स मॉडर्न क्रिकेट 3 से 4 साल में खेलेंगे। अब बंदा पूछे 3 से 4 साल किसने देखे हैं, हम जिंदा हो या ना हो, आप जिंदा हो या ना हो, किसी को क्या पता। 3 से 4 साल आप इतना दूर का बता रहे हैं, लोगों तो भाई एक एक दिन में अडोप्ट कर जाते होते हैं। आप कह रहे हैं 3 से 4 साल के अंदर हम इस चीज के ऊपर जाएंगे, तो 3 से 4 साल के अंदर जब हम मॉडर्न क्रिकेट में जाएंगे तो पूरा जमाना पता नहीं कौन सी लेवल की क्रिकेट खेल रहा होगा। जहां तक बात रही पाकिस्तान की टीम की, तो भाई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में चेंजेस होने बहुत जरूरी है। लगातार खुशदिल शाह की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो फ्लॉप जा रही है, इतने चांसेस इसको मिल चुके हुए, अब बनता नहीं है इसको चांसेस देना, इसकी जगह किसी और प्लेयर को लाए। मैं स्टिल कहूंगा शुएब मलिक को टीम में लाए, जरूरत है हमें वर्ल्ड कप के शुएब मलिक की। इसी के अलावा अगर बात करें तो मैं स्टिल ये भी समझता हूँ कि इफ्तिकार अहमद की टीम में जगह नहीं बनती, उनकी जगह भी किसी प्लेयर को लेकर आए, फकर जमान को टीम में वापस लाए, और शान मसूद जिसको कह सकते हैं एज अ ओपनर खेल सकता है, उसके अलावा उसकी टीम में कोई जगह नहीं बन रही, फकर जमान शान मसूद की जगह है। ये चेंजेस करने पड़ेंगे तभी पाकिस्तान का कुछ बनेगा जिसको कह सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा है इंडिया ने अपनी सीरीज के अंदर कैसे परफॉर्मेंस दिखाई है, सूर्य कुमार यादव एक आदमी ने पूरी इंडिया की टीम का जिसको कहते हैं मोमेंटम चेंज करके रख दिया है। ऐसे किसी एक प्लेयर की पाकिस्तान की टीम को जरूरत है, अगर ये प्लेयर हमें ढूंढना पड़ना है, हमें इस प्लेयर को बनाना पड़ना है, तो बहुत कुछ करना पड़ना है तभी जाके कुछ होगा। अगर आप मेरे जैसे कह सकते हैं बात से एग्री करते हैं जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं, क्या कहते हैं आपको सीरीज रिपोर्ट अच्छी लगी तो जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं, अपनी राय जरूर दीजिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।